पानी हो रही है। तो भाई मिल चुके हैं हमें, अपने पीसी को उठा लिया है अब। अंधेरे में एक पेड़। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशुबिष्ट व्लॉग्स में। और सच्ची बता रहा हूँ, फाइनली घर आके इंट्रो देने का जो मजा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। पर शायद से तुम लोगों ने ये नहीं देखा होगा भाई, इसको मैंने इतना ज्यादा मिस करा है ना। आज हम लोग इसको चलाने वाले हैं और ले जाने वाले हैं। अभी हम लोग जाएंगे, पहले मेरे को एक काम है, एक शूट करना छोटा सा, फिर खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे सौरभ भाई के घर पे, क्योंकि उनको भी अपने आरसी का कुछ काम था, मेरे को भी अपनी आरसी लेने जाना है और दूसरा एक दो काम और है। जैसे कि तुम्हें पता है कि इसको टाटा शोरूम पे एक बार दिखाने ले जाता है। इसके ब्रेक ना लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे पहाड़ पे तो इसके ब्रेक इतने अच्छे से काम नहीं करते मेरे हिसाब से, मतलब पता नहीं क्यों। तो मैं उनसे पूछूंगा एक बार जाके अगर ब्रेक ढीले है या कुछ है तो चलते हैं फटाफट से। पहले खाना ना खाते, नहा धो के तो तैयार हो गए। अभी बज रहा है 11:30, हम लोग को 12:30 बजे कैसे भी निकलना है। तो चलो चलते हैं फटाफट से खाना ना खाते। तो मैडम जी यहाँ पर धूप सेक रही है, हमारी मैडम धूप सेकी जा रही है। चलो बड़ी, अबे ये डॉग ही बन गई है कि और ये है हमारा पोंपुनिया। सुबह सुबह जैसे मैं आया था भाग गया था पता है बाहर, फिर आए ये दिन में। अभी मम्मी ने बताया मेरे को, जब उठा हूँ मैं तब जाके इसको लेके आया है कोई बाहर से। सारे रोडों में भाग जा तू, तेरे को छोड़ ही देता हूँ मैं। बदतमीज डॉगी। क्या लेनी है मम्मी? मम्मी मम्मी क्या बना रहे आज? हाँ कोई बात नहीं है, टाइम आराम से करो यार, कोई बात नहीं। तो राजमा चावल बना रही है आज? हाँ, मैं आठ दिनों बाद आ रहा बेटा, है ना तेरे राजमा। मम्मी तो मस्त हो रही है भाई, राजमा चावल बना दी मम्मी ने, और क्या ही खुशी चाहिए। गाइस यार जब तक मम्मी खाना वाना बना रही है तब तक हम लोग फटाफट से अपना रिकॉर्ड फिनिश कर लेते हैं। भाई इतने टाइम बाद इस चेयर पे बैठा हूँ, मजा ही आ गया है दोस्तों। और बाय द वे जो पीसी वाली वीडियो थी ना वो बहुत जल्दी आ रही है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो वो जो मेरे बगल में बैठा हुआ है ना वो बहुत जल्दी देखने वाले तुम लोग। तो गाइस ये है मेरा राजमा चावल, ये है शिवांग जी का राजमा चावल, और ये है हमारे जगुले का राजमा चावल। ताई ने तो हम सबकी पार्टी ही करा दी भाई, आज हमारी मस्त पार्टी चल रही है भाई, देख रहे हो क्या पारी हो रही है। पारी हो रही है यहाँ पर, तो पारी हो रही है। एक और जना पार्टी में ज्वाइन हो गया है हमारी, ताई ने बोला एक और जने को लेके आते हैं पार्टी में, तो अब पोंपू की भी पार्टी हो रही है, वो देखो भाई। अब हम मस्त चार जने हो गए और अब हम सबकी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। पार्टी क्यों हो रही है बता, दादा के आने की खुशी में। देख रहे भाई, होम कमिंग पार्टी, राजमा चावल और पोंपू का पेडिग्री। तो गाइस अपनी ब्लैक बीस्ट पता नहीं कितने टाइम से यहाँ पे खड़ी है यार। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये काफी दिन से खड़ी है। वैसे पापा बता रहे थे कि पापा ने इसको स्टार्ट तो किया हुआ है, तो चलो अपन लोग भी एक बारी। यार ओए क्या गंदी हो रही है, हाय राम, दिल पे चुभ रहा है ना भाई इसको देख के यार। भाई इतना गंदा ट्रैफिक हो रखा है ना, इतना गंदा ट्रैफिक। सौरभ भाई को लगेगा कि मैं ही लेट निकला, तुमने देखा था ना मैं 22 पे निकल गया था भाई। एक बार ट्रैफिक देख रहे हो तुम लोग, खत्म ही हो भाई, वो दो ट्रक की वजह से लगा हुआ है ये पूरा ट्रैफिक, गंदा वाला एकदम। सौरभ भाई मिल चुके हैं हमें, और सौरभ भाई की अब हम लोग, मैं अपनी यहीं पे खड़ी कर रहा हूँ, मतलब अभी यहाँ पे लगाएंगे वो तो ठीक है। हाँ बाकी इनके फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, आज घूमेंगे क्या यार, बहुत काम है बता, बहुत काम, मजा आएगा देखो अभी। बहुत इधर उधर घूमना पड़ेगा। बाकी तो फिर अभी एक बैड न्यूज तुमने सुनी ली होगी थार के बारे में, और वो भी सही करानी पड़ेगी अब। कांड ही कांड हो रहे हैं भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची में बताए, कुछ भी बोलो कुछ अपने को पूजा वूजा करानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है पता है, गाड़ियों को ना खड़ी करके ऐसे पूजा करानी पड़ेगी अब। खड़ी खड़ी लग रही है ऊपर से, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा चलती चलती पड़ रही है बहुत। ओ लली, अच्छा अच्छा, अरे बच्चा
उल्लूली, इसका नाम है उल्लूली। तो दोस्तों देखो कितना मजेदार लग रहा है। यहाँ पर हमारी हैरियर खड़ी है, वो सौरभ भाई की फॉर्च्यूनर है, यहाँ पर इनकी थार खड़ी है, फिर पीछे इनोवा खड़ी है। भाई एक शोरूम खोल लेते हैं गाड़ी। इनमें से तीन तो ठुकी हुई है, तीन ठीक करानी है। भाई यार ऐसे बोलना जरूरी था क्या? जी यार। तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से आरटीओ का काम करा के आते हैं, फिर हम लोग जाएंगे टाटा के शोरूम में और टोयोटा के शोरूम में, तो वो सब देखते हैं। और बाकी बहुत प्यारी है यार। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही होगी ना। तो गाइस अपना आरटीओ का काम फिनिश हो चुका है, अब सौरभ भाई अपनी फॉर्च्यूनर और मैं अपनी हैरियर लेके निकलते हैं सीधे टोयोटा और टाटा। मैं टाटा में पता करके आता हूँ सारा का सारा, लाइट वाइट का सब कुछ, और सॉरी लाइट वाइट का कह रहा हूँ, सारा पेंट वेंट का जितना भी है ना, ये सारे का मैं पता करके आता हूँ। सौरभ भाई को भी अपना बोनट ठीक करवाना है और पता नहीं क्या क्या लिखवा रखा है इन्हें। तो जल्दी से चलते हैं और करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया मतलब, मैंने तो खाया है, इन्हें तो और नहीं खाया है यार अभी। तो चलते हैं फटाफट से निकलते हैं फॉर्च्यूनर एंड हैरियर। भाई इसको इतना मिस किया ना मैंने, तो मैं बता नहीं सकता यार। तो दोस्तों पीसी यहाँ पे गेम शेम खेल रहा था और हमने पीसी को उठा लिया है, अब पीसी मस्त करके बैठ चुका है। अब निकलते हैं हम लोग टोयोटा और टाटा की तरफ को, ठीक है? चले चलो चलो चलते हैं। सो गाइस अभी सौरदा और उधर को मुड़ चुके हैं और हम लोग आगे आगे हैं। हाँ, क्योंकि टाटा इस साइड है, टोयोटा उस साइड है। भाई मैं तो पीयूषी के भरोसे चल रहा हूँ, पीयूषी ने कहा मेरे को रास्ता पता, मुझे नहीं पता यहाँ का रास्ता। भाई मेरे को भी क्या, मेरे को भी बस पता नहीं कुछ कुछ। बम तो मुझे नहीं करो ब्रो, दोनों पैदल हो जाएंगे, डीजल भी कम लग रहा है। अरे यार डरा मत ब्रो। और सामने ऐसी सुनसान रोड, सुनसान तो नहीं, एक बाइक दिख गई यार, ऐसे बनानी है ना कहानी। हाँ। बनाओ कहानी। रात के अंधेरे में एक पेड़, एक रोड पे जहाँ पर कुछ नहीं है, एक आदमी नहीं है, वहाँ अकेले भटक रहे हैं। बिल्कुल सही, डीजल भी खत्म होने वाला है, पता नहीं इतने घर कैसे आ रहे हैं। यह दृश्य घर है गाइस, ये घर नहीं है, नहीं नहीं घर नहीं है, तुम ये अंकल स्कूटी नहीं चला रहे हैं, अंकल भूत पे सवारी कर रहे हैं। तो गाइस हमने हैरियर लगा दिया टाटा में अभी, और देखते हैं मेरे को ये सारा का सारा सही कराना है, जितने भी स्क्रैच जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हम लोग सही करेंगे अभी नहीं, अभी फटाफट से एक बार क्वेरी ले लेता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे सारे काम होने में। यहाँ पर से क्वेरी लेने के बाद सीधे निकलेंगे हम लोग टोयोटा में, क्योंकि जहाँ तक है सौरभ भाई को अभी टाइम लगेगा टोयोटा में। राइट राइट राइट। ये क्या डांस है भाई। तो गाइस हम लोगों ने क्वेरी वेरी सारी ले ली है और हमें अभी पता चला है ऑलमोस्ट 25,000 का आएगा। मैंने तुम्हें अभी दिखाया ना जहाँ पे डेंट और वो सब है, पेंटिंग नॉर्मली खाली पेंटिंग होगी लेकिन 3-4 कोट लेंगे तो ऑलमोस्ट 25,000 का खर्चा आएगा भाई। 25,000 बहुत होते हैं यार, देखते हैं चलो ठीक है क्या होगा कैसे होगा, एक बार कहीं भी और भी पता करते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना भी नहीं आना चाहिए, बट मैं एक बार बात करता हूँ, मैं हिसार वालों से भी एक बार बात करूंगा कि कितने तक का खर्चा आना चाहिए। आई होप थोड़ा कम हो, बट लेट सी जो भी होगा जैसे भी होगा। तो अभी तो चलते हैं सीधा टोयोटा, तुमको रास्ता पता है ना टोयोटा का? पूरा पता है, लास्ट में पता चला कि कहीं और, लेकिन एक्चुअली पीसी भाई को काफी कुछ पता है, माना तो पड़ेगा। अच्छा मेरे को यार सुसु लगी है वैसे, चलो ठीक है अब तो जल ही रहे हैं, वही टोयोटा में करेंगे। चलो चलते हैं, हल्दी छोड़ जाना भी हमको। अच्छा टोयोटा हल्दी छोड़ में, स्लो मोशन में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारी, स्लो मोशन नहीं हो, अच्छा नॉर्मल रेडियो है। वाह मुझे धोखा दिया गया है भाई, अरे उससे कहा पिछले स्लो मोशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वहाँ पे नॉर्मल रेडियो चल रही है। वाह यार ब्रह्म क्या करते रहते हो, प्लीज फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट। दीदी पीछे पड़ गई यार, ये दिम दिम ना ये मुझे बहुत अच्छा मानती है, इसलिए इसको बहाने चाहिए होते, बस कभी सीट बेल्ट कभी गाड़ी पार्किंग में लो, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। देखना अभी देखना, ये देखो दिखाऊं, देखना मैं कुछ नहीं बोलूंगा ठीक है, देखना ठीक है। अरे अंगली में दिखाना, मेरे को दिखा, मस्ती लेते। देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं ना, देखना
तो ठीक है फिर मैं अभी इस दीदी से बात नहीं करूंगा। इकोनॉमी ड्राइव ये देखो अब इसने क्यों बोला, क्यों बोल रही होगी अभी? अरे वीडियो, अरे वीडियो तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली टोयोटा में। अभी अभी सौरभ भाई और अंकल जी ने बताया कि 10 दिन नो फॉर्च्यूनर, ओनली इनोवा क्योंकि थार में भी लगी हुई है इनके। तो सौरभ भाई बुरा लग रहा है, बहुत काला शायद चल रहा है। हाँ ना भाई, इनने अभी फोन भी पटक दिया, देखना इनके व्लॉग में भाई वो पूरा ऐसा क्रैक मार रखा है इनने यार देखना एक बार। चलते हैं, बाय बाय सौरभ भाई, मिलते हैं, बाय बाय दोस्त, बाय यार। गाड़ी की दुख दुख हो रहा है। अरे यार कुछ भी है, कब ठीक होगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे ना, कुछ तो कर ही देंगे, कुछ तो कर ही देंगे। ठीक यार ऐसे मत देखो यार भाई, मैं कह रहा हूँ आपकी गाड़ी। मेरा तो सच्ची बता तो मेरा इतना वो भी नहीं होता है, वो विजिबल भी नहीं है इतना, मतलब विजिबल है दिख रहा है, विजिबल तो मेरा भी नहीं है दूर से। हाँ घर ही जा रहे थे और हमें भाई लोग मिले हमारे सब्सक्राइबर्स। कैसे हो? बढ़िया ब्रदर, बढ़िया। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं गाइस, चलते हैं घर को। अब सीधे कहीं नहीं रोक रहे हम लोग, गलती से दब गया। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और ये मैं मिठाई लेके आया था मम्मी लोगों के लिए और बाकी भाई भी मेरा आ ही चुका है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं अंदर जल्दी से। मम्मी जी थोड़ा ज्यादा लेट हो गया ना। अरे पम पुना उजाओ अंगड़ाई ले रहा बमचा उजाओ। लो मम्मी तुम्हारे लिए मिठाई लाया था मैं। किस खुशी में? ऐसे ही मैं वहां पर खड़ा था तो लेके आया था। ठीक है, कहां से? वही बीकानेर वाला जहाँ पर था ना, वहीं पे। हमें बच्ची तेरे को अच्छे लगते ना बूंदी, लगती बूंदी के लड्डू अच्छे लगते ना? अच्छा लगता है। थैंक यू यार बेटा, तुम्हारा बहुत। मेरे को पता है मम्मी को बूंदी के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने मम्मी के लिए पैक कराए थे। थैंक यू बोलते क्या अपने बच्चे को? ये लड्डू वड्डू चल रहे हैं भाई, ले ले देखो, तू भी ले ले। पोंपू ना कह रहा है मेरे लिए क्या लाए, कुछ भी नहीं। तो गाइस अभी स्ट्रीम फिनिश हुई है, अभी बज रहे हैं रात के 1। तो भाई यार बहुत ज्यादा थकान हो गई, आज का दिन बहुत ज्यादा टायरिंग निकला था। तो चलो तुम लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में मेरे दोस्तों, घर आके सीधे मैं इसी पे लग गया था यार। तो तुम लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक वाला बटन दबाना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो यार, 8 लाख पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा हल्का सा चाहिए बस, तो दबा दो यार सब्सक्राइब वाला बटन। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मिलते हैं अगली बार।